मुझे अफसोस है इस बात का कि तुमने मेरी दौलत की आधी हिस्सेदारी खो दी और साथ साथ अपना चढ़ता हुआ भविष्य भी। नहीं। चलो देवा। नहीं। ज्वाला। नहीं। ज्वाला। मैं दौलत और तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ? शनि नहीं, निकल चलो। है? शनि, हम ज्वाला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आजादी बख्श दी। अब तुम चलो। नहीं। शनि नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, चलो चलो ना, ये मौका हाथ से जाने ना पाए, चलो। ये क्या किया तुमने ज्वाला? तुमने तो उसे आजाद कर दिया। उस शैतान को मौत के बजाय तुमने उसे जिंदगी दे दी। आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने ज्वाला? इसकी एक वजह है। क्या वजह हो सकती है? अगर शनि से ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात थी तो कैसे हासिल करोगी तुम रूपमति की मणि? कैसे लोगी तुम अपना इंतकाम? तुमने तो उसे आजाद कर दिया। आजादी की उम्र बहुत छोटी है, देखना देवा, वो घुटनों के बल लौट कर मेरे पास वापस आएगा। लेकिन वापस क्यों आएगा? क्यों आएगा ज्वाला? क्यों और किस लिए वो तुम्हारे पास लौटेगा? वो लौट कर आएगा देवा, क्योंकि ज्वाला उसके एक एक रास्ते पर ज्वालामुखी बिछा देगी, और जब उसका एक एक रास्ता ध्वस्त हो जाएगा तो शनि के पास एक ही रास्ता बचेगा, और वो आखिरी रास्ता उसे ले आएगा ज्वाला के पास। जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है, उसे निभाने का वक्त आ गया है, जाओ उसे अंजाम दो। ठीक है ज्वाला, हम चलते हैं, तुम निश्चिंत रहो। वक्त बर्बाद मत करो, फौरन जाओ। शनि तुम्हारा रास्ता लौट कर तुम्हें मुझ तक ही पहुंचाएगा। Thank you.
देखो देखो शनी शनी तुम बच गए। देखो मेरी बड़ी बच गई। मणि शनि के पास। चलो अनवर। मैं कंगाल हो गया, कंगाल, मेरी सारी दौलत चली गई। शनि शनि हौसला रखो, सुनो ये क्या काम है कि तुम जिंदा हो। लेकिन मेरी दौलत। शनि शनि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इस नागमणि को बेचकर हम अपनी इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। नहीं नहीं सुल्ताना, दौलत के बिना इज्जत हासिल नहीं हो सकती। शनि शनि सुनो मेरी बात सुनो, जान है तो जहां है, दौलत तो फिर भी हासिल हो सकती है। एक औरत है, एक औरत ज्वाला, जिसके पास अपनी पास दौलत है। शनि क्या तुम वो कह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ? नहीं शनि, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। ज्वाला एक जहरीली औरत है, तुम क्या समझते हो? तुम एक बार ठुकराने के बाद वो तुम्हें फिर से अपना लेगी? नहीं, जरूर अपनाएगी। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तेरी वजह से मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ा, तेरे बागमरीत पर लौटने की कसम की वजह से। आओ चलो। तो तुम्हारे? हाँ ज्वाला, और तुम्हारे हुक्म के मुताबिक हम शनि की सारी दौलत लूट कर ले आए हैं। शाबाश, हमने उसकी गुफा जलाकर राख कर दी, उसे बर्बाद कर दिया हमने। बहुत खूब, और वो बेशकीमती मणि क्या वो भी तुम ले आए? नहीं, वो मणि हमारे हाथ में लगी। तो फिर कहाँ है वो मणि? वो मणि शनि के पास है, उसके कब्जे में। मणि शनि के कब्जे में है, बहुत खूब, ये तो और भी अच्छी बात है। तुम जा सकते हो बीमा। तुम्हारी इस प्रतिक्रिया का सबब क्या है? शनि के कब्जे में अब भी वो मणि है, यही मेरी खुशी का सबब है। अजू। हाँ देवा, अब वो मणि शनि के कब्जे से हमारे कब्जे में आ जाएगा। वो कैसे? मैं शनि को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मणि तो आएगा ही, और शनि खुद लेकर हमारे पास आएगा। तो शनि तुम आ ही गए? हाँ देवा, मैं आ गया। और तुम्हारे आने का मकसद? उस
नकाबपोश औरत ज्वाला से एक मुलाकात। मुलाकात? ये तो देखना पड़ेगा कि ज्वाला तुमसे मिलेगी या नहीं। सुल्ताना की तबीयत नासाज है, इसे संभालो। क्या हुआ? ओहो, लगता है सुल्ताना को आराम की जरूरत है। शनि, तुम दोनों ऐसा करो, तुम दोनों जाकर राउटी में आराम करो। मैं ज्वाला से दरियाफ्त करता हूं कि वो तुम दोनों से मिलना चाहती है या नहीं। ठीक है। लेकिन उससे मुलाकात होनी चाहिए। ज्वाला सचमुच शनि की नस नस पहचानती है। यहाँ ज्वाला के ठिकाने पर मेरा दम घुटता है शनि। शनि, हौसला रखो, हौसला रखो। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें औषधि देता हूँ। शनि, शनि, मेरी ठीक होती मुझे यहाँ से ले चलोगे ना? उठो सुल्ताना, लो लो औषधि पियो, पियो, पियो। शाबाश। सुनो, अब दोबारा आराम करो, सोने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। लो, उठ लो। मेरा भविष्य ज्वाला ही है। ज्वाला ने अभी तक मुझे बुलाया क्यों नहीं? मुझे उसका साथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं। क्या है? तुम्हें ज्वाला ने याद किया अपने कक्ष में? इस वक्त ठीक है, तुम जाओ। आधी रात को मुझे बुलाया है। शनि,
तुम यहाँ मणि गुफा वापस आ तो गए, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना किसी को मंजूर नहीं। हाँ शनि, किसी को नहीं। जंगी बादल और खास करके देवा तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे ये क्या शनि, कीड़ा